महाराष्ट्र में लोगों को पानी उपलब्ध नहीं है, जाना पड़ता है। आज के दौर में है 21 शहर इस डेंजर जोन में आ गए जिनके पास सिर्फ 2020 तक पानी है, और उसमें 5 जिले जो है वो राजस्थान के। दरअसल में यदि आज हम प्रदूषित पानी पीते हैं तो हमारा कल असुरक्षित है, इस बात को मान के चलना पड़ेगा। वैसे में और आज ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, पंजाब वालों ने खुद कहा है कि राजस्थान को पानी दिया जा रहा है डी ग्रेड पानी, मतलब ए बी सी नहीं डी ग्रेड का पानी यहाँ पर उपलब्ध कराया जा रहा है, और जिसके कारण से बीमारियां फैल रही हैं। आज हमारे यहाँ जो कैंसर ट्रेन के नाम से बठिंडा से ट्रेन जाती है बीकानेर पर, उसको कैंसर ट्रेन नाम दिया गया है क्योंकि वहाँ कैंसर के मरीज बहुत ज्यादा बीकानेर पहुंचते हैं और उनका इलाज करने की कोशिश की जाती है। तो हमें ये प्रिकॉशंस अपने आप लेने होंगे। और सबसे बड़ी बात जो आज मैं धन्यवाद देती हूँ देवेंद्र जी को भी, कि जिस दिन तक हम लोग पॉलिटिकली चलते रहेंगे राजनीतिक रूप से, तब तक हम कोई समस्या का हल नहीं कर सकते। जब जनता जागती है, आप जैसे प्रबुद्ध नागरिक यहाँ पर हैं जो आवाज़ उठाते हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी समस्याओं का हल होगा।